subscribe and press the bell icon for daily updates. गंदगी के अंदर उसी में हाथ डालेंगे, निकालेंगे और उसी से खेलेंगे। फिर घर पे आएंगे, उसी तरह से प्यास लगी, खेल के आए, पसीना पसीना हो गया एकदम, फौरन ग्लास लेंगे और सीधा जाके बर्तन में डुबो दिया, पानी पी लिया या फ्रिज में हाथ डाल दिया, खाना खा लिया, कुछ भी रोटियां उठा ली। तो इस तरह से बच्चों के अंदर तमीज़ नहीं होती है गंदगी से बचने की, इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर से पेशाब पाखाने के सिलसिले में। बहुत सारे बच्चे पेशाब करने के बाद पानी नहीं लेते हैं, अपनी सफाई नहीं करते हैं, उनको अगर आप नहीं सिखाएंगे तो उनको यही आदत पड़ जाएगी। अफसोस तो ये है कि बाद में उम्र हो जाने के बाद कई लोगों की के बाल सफ़ेद हो जाते हैं फिर भी पेशाब करते हैं और पानी नहीं लेते हैं। ये बीमारी आम तौर से मर्दों में होती है और इसी का नतीजा ये है कि बहुत सारे लोग जब उनको नमाज़ की दावत दी जाती है तो कहते हैं कि हम तहारत से नहीं हैं। तो नमाज़ में रुकावट ये चीज़ बनती है, जो चीज़ बचपन में दिल में घर कर गई वही बाद में भी इंसान की ज़िंदगी में हाकिम बनी रहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तनज़्ज़ुहु मिनल बौल फ़इन्न आमत अदा बिल क़ब्र मिन्हू। इस हदीस को इमाम दारक़ुतनी ने रिवायत किया अपनी सुनन में और ये हदीस सही दर्जे की है। आप फरमाते हैं पेशाब से बचो, इसलिए कि कब्र में आम तौर से अजाब पेशाब की वजह से होता है। यानी मालूम ये हुआ कि एक ऐसी चीज़ है, कितना आप देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्ट्रास्ट या कितना अजीब मामला है कि एक तरफ इतनी सख्त चीज़ है कि उमूमन अजाब कब्र का इसी वजह से होता है और दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा का आज आप हाल देखें, आम तौर से इसी में सब लोग लापरवाही करते हैं। एक बड़ा तबका मुसलमानों में वो है जो पेशाब की सफाई का ख्याल नहीं रखता है। तो बच्चों को बचपन ही से इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि पेशाब करने के बाद आपने पानी लेना है और गंदा नहीं रहना है और कहीं भी गंदगी में हाथ पांव आपको नहीं मारना है, बल्कि अपने आप को, अपने कपड़ों को गंदगी से बचाना चाहिए। तो ये पहली चीज़ है जिससे उनको बचाने की ज़रूरत है। नंबर दो, झूठ। बहुत सारे लोग कहते हैं, ये मालूम नहीं कहाँ से उनके जहनों में आ गया, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कौन बताया आपको? मुहद्दिसीन ने बच्चों की गवाही को दलील नहीं बनाया इस वजह से कि ये गवाही देते हैं तो इनको झूठ की संगीनी मालूम नहीं है, झूठ बोल सकते हैं, इसलिए उनकी गवाही वैसी ली नहीं जाती, इसलिए कि वो अभी तक समझदार नहीं हुए हैं। जब समझदार होंगे, झूठ की बुराई मालूम पड़ेगी, तब जाकर वो झूठ छोड़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चे घरों में झगड़े लगा देते हैं झूठ बोल के और उसकी वजह से फैमिलीज़ बर्बाद हो जाती हैं। लोग ये समझ लेते हैं कि बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, ऐसी बात नहीं होती है, बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि झूठ की आकिबत उनको मालूम नहीं होती है, न दुनियावी एतबार से न आखिरत के एतबार से, झूठ का अंजाम उनको मालूम नहीं होता है और वो उनको तमीज़ नहीं होती झूठ सच में, वो बस अपने बचाव को याद रखते हैं। वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि अपने आप को एक बुराई से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए झूठ बोल देता है। तोड़ दिया, आप देखिए घर में कोई भी चीज़ बच्चा जब तोड़ देगा, आप ऐसा अगर पूछें कौन तोड़ा ये, मैंने नहीं तोड़ा, पहला जवाब उसका ही होगा और आम तौर से ये जुमला वही बोलता है जिसने तोड़ा है, सबसे पहले वो जवाब मैंने नहीं तोड़ा। वो खुद एक एग्जाम्पल अलार्म होता है, इसने तोड़ा, इसको ले लो साइड में। तो बच्चे झूठ बोलते हैं, उनको झूठ से बचाना चाहिए, उनको बताना चाहिए देखो अगर मैं तुमको झूठा वादा करूं तुमको चलेगा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमको ये दूंगा और तुम जब मुझसे मांगो तो मैं कहूँ मैंने झूठ कहा था, कितना अच्छा लगेगा तुमको? कहेगा नहीं, बहुत बुरा लगेगा मुझको। आप उनसे कहें इस तरह से मुझको भी बुरा लगता है जब तुम झूठ बोलते हो, मुझको मालूम होता है तुमने झूठ कहा है। कैसे मालूम होता है? तुम्हारी बात से एहसास होता है, क्योंकि हम भी बच्चे रह चुके हैं, हमको मालूम है बचपन कैसे होता है। उसको आप इंटेलिजेंटली ट्रीट कीजिए, जितनी उसकी कैपेसिटी है आप।